इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। मामला क्या है, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आप सब ने देखा होगा कि ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट की तरफ से पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल ने 20 गाने जो है उन्होंने साइन किए थे, जो है एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। आप सबको बता दें कि दोनों फैंस के लिए बहुत बुरी खबर यह सामने आ रही है कि जानकारी के मुताबिक पवनदीप राजन और अरुणिता ने एक म्यूजिक एल्बम का शूट और उसे प्रमोट करने से मना कर दिया है, जिसके बाद कंपनी ने एक्शन लेते हुए उन पर केस दर्ज करा दिया है। खबरों के मुताबिक पवनदीप और अरुणिता ने मेकर्स ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के म्यूजिक एल्बम के लिए शूट और प्रमोशन से इनकार कर दिया है। इसी के बाद फर्म ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर की एसोसिएशन ने एक लीगल नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ में समझौता किया था, जिससे पवनदीप और अरुणिता को 20 गानों का एक एल्बम के लिए साइन किया गया था। और उसके बाद इसी समझौते के अनुसार सोनी टीवी ने दो कलाकारों को सर्विस दिए जाने की हामी भरी थी, लेकिन ये एग्रीमेंट उस समय पेश किया गया था जब पवनदीप और अरुणिता रियलिटी शो इंडियन आइडल का हिस्सा थे और वो विनर की घोषणा उस समय नहीं हुई थी। इस समझौते को लेकर प्रेस अनाउंसमेंट भी हुई थी, जिसमें कंपनी का बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ था। और अब आर्टिस्ट एक गाने पर काम करने से मना कर रहे हैं। सोनी टीवी के कमेंटमेंट के बाद भी अरुणिता और पवनदीप ने शूटिंग रोक दी। सोनी टीवी से इसकी जानकारी लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी एक्शन लिए जाने की खबर से साफ इनकार कर दिया है, और साथ ही पवनदीप और अरुणिता का भी सपोर्ट किया गया है। जब इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर ने इस पर सोनी टीवी से जवाब मांगा तो उन्होंने बोलकर जवाब देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये कंपनी एसोसिएशन की सदस्य नहीं है। तो ये एक बुरी खबर जो है सामने आई है पवनदीप और अरुणिता को लेकर के। आप सब ने देखा ही होगा कि मंजूर दिल और फुर्सत के बाद में कोई भी सॉन्ग नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि वो दोनों वहाँ पर काम करना नहीं चाहते हैं। आगे की खबरों के लिए चैनल पर जुड़े रहिए।